7 जनवरी की शाम दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी। 5 जनवरी की हिंसा को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी। शांतिपूर्ण तरीके से स्टूडेंट्स का सपोर्ट भी किया था। उनके इस कदम की बहुत से लोगों ने तारीफ की थी तो बहुत से लोगों ने जमकर विरोध भी किया था। उनकी फिल्म छपाक का बहिष्कार करने की अपील तक कर डाली। ये भी कहा गया कि दीपिका के इस कदम से उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। इन्हीं सब कयासों के बीच ये खबर आई कि दीपिका का स्किल इंडिया का प्रमोशनल वीडियो ड्रॉप हो गया है। ये कहा गया कि जेएनयू जाना उन्हें भारी पड़ गया। अब क्या है ये स्किल इंडिया के प्रमोशनल वीडियो वाला मामला? द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका ने स्किल इंडिया के लिए 45 सेकंड का एक प्रमोशनल वीडियो किया था, जिसमें वो छपाक फिल्म के संदर्भ में समान अवसर के मुद्दों पर बात करती नजर आने वाली थी। एसिड अटैक सर्वाइवर्स का मुद्दा भी उठाया था, लेकिन इस वीडियो को स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ड्रॉप कर दिया। मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि ये वीडियो 8 जनवरी के दिन रिलीज होने वाला था। श्रम शक्ति भवन में भी ये वीडियो काफी सर्कुलेट हुआ था, लेकिन 7 जनवरी को हुए कुछ इवेंट्स की वजह से इस वीडियो को ड्रॉप कर दिया गया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के माने तो मंत्रालय का आधिकारिक जवाब कुछ और ही कहता है। वीडियो ड्रॉप किए जाने के मुद्दे पर मंत्रालय ने ना में जवाब दिया है। कहा है कि वो वीडियो के प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहे हैं। मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि हम वीडियो के प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहे हैं, ये हमारा एक रेगुलर प्रोसेस है। स्किल इंडिया की कम्युनिकेशन और प्रमोशनल एक्टिविटी की रेगुलर प्रोसेस के तहत हमें मीडिया हाउस और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्रॉस प्रमोशन के ऑफर आते रहते हैं। फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने स्किल इंडिया से फिल्म के टॉपिक को प्रमोट करने के मुद्दे पर बात की थी। फिल्म के एक्टर्स ने इसी सिलसिले में हमारे इकोसिस्टम के उन एसिड अटैक सर्वाइवर्स और दिव्यांग लोगों से मुलाकात की थी जिन्हें स्किल इंडिया से फायदा मिला है। हालांकि प्रमोशनल वीडियो के सिलसिले में फिल्म की टीम और मिनिस्ट्री के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ था, इसलिए प्रस्ताव को ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं है। मंत्रालय इन सारे प्रस्तावों का मूल्यांकन करने में वक्त लेता है। वहीं छपाक की मार्केटिंग टीम ने भी इस मुद्दे पर बात की। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मार्केटिंग टीम के एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि प्रमोशनल वीडियो के मुद्दे पर मंत्रालय से बात की गई थी, लेकिन काम नहीं बना। खैर, दीपिका का स्किल इंडिया का प्रमोशनल वीडियो कब तक सामने आएगा, आएगा भी या नहीं, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इतने बवाल के बीच दीपिका का जेएनयू जाना वाकई बेहद बड़ी बात है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी लालिमा ने लिखी है। अब अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी लल्लनटॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। दी लल्लनटॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लनटॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लनटॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लनटॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लनटॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लनटॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।